हेलो दोस्तों, मैं गौरव कुमार यूरेका टेक्नोलॉजी से बोल रहा हूँ। आज हम आपके लिए बल्क एसएमएस का यूज कैसे होता है वो बताने के लिए वीडियो बना रहे हैं। बल्क एसएमएस का जो पैनल है हम लोगों का, वो हमारे किसी भी क्लाइंट कस्टमर या किसी भी तरह के यूजर्स के लिए जो हमारा ये पैनल यूज कर रहे हैं या यूज करना चाहते हैं, उनके लिए कैसे हेल्पफुल है, कैसे आसान है, मैं ये इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। बहुत ही आसान पैनल है हमारा, बहुत ही आसान तरीका होता है जिससे आप इस चीज़ को यूज कर पाएंगे। हम आपको अब बताने जा रहे हैं, जो आप देखिए कि कैसे हमारे बल्क एसएमएस पैनल को यूज कर सकते हैं। सबसे पहले आपके पास ये आ रहा है, ये हमारा साइट खुला हुआ है, जो आपको ये स्क्रीन दिख रहा है, विंडोज़ कंप्लीट विंडोज़ जो दिख रहा है, ये हमारा वेबसाइट है eurekatech.com। देख रहे हैं eurekatech.com खुला हुआ है, मतलब आप कहीं भी ब्राउज़र में जा कर के eurekatech.com अगर आप टाइप करते हैं तो वहाँ से आप हमारा ये वेबसाइट खोल सकते हैं। ठीक है, खुल जाएगा। इसमें आपको ये दिख रहा होगा बल्क एसएमएस लॉगिन, यहाँ पे क्लिक करेंगे और बल्क एसएमएस के पैनल ये खुल गया हमारा, और यहाँ से आप लॉगिन कर सकते हैं। दूसरा, अगर आप चाहते हैं कि डायरेक्ट यहाँ इसी पैनल पे आना, तो आप सिंपली अपना ब्राउज़र को ओपन करेंगे, ये इस तरीके से ओपन होगा, और यहाँ यूआरएल जो टाइप किया जाता है, नॉट यहाँ, आप यहाँ भी टाइप कर सकते हैं लेकिन डायरेक्ट यहाँ। सबसे पहले तो मैं यहाँ से बता रहा हूँ आपको, ये यूआरएल यहाँ पे टाइप किया जाता है जहाँ मेरा कर्सर मूव कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे कैसे होगा, तो आपको टाइप करना है SMS, जो SMS भेजना है डॉट, ठीक है। उसके बाद मेरे कंपनी का जो वेबसाइट है eurekatech.com, मैंने टाइप किया, ये दिख रहा है, ये जो मैंने टाइप किया है ये आपको दिख रहा होगा। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, इंटर प्रेस कर देना है बस। ये हमारे पैनल पे आकर के लॉगिन कर गए, जैसा कि पिछले था, पिछले वाला ये मैंने क्लिक किया, यही है। ये देखिए बैक, मैं यहाँ से जा रहा हूँ मेरे साइट पे चलेंगे, वेबसाइट, ये हमारी कंपनी की वेबसाइट है, यहाँ से सिंपली जा करके भी आप कर सकते हैं। ठीक है, इसको खोलने के लिए क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना है, सिंपली हमारे साइट को खोलने के लिए जैसे ब्राउजर में गए हैं, यहाँ पे भी जा करके आप eurekatech.com, दिख रहा है, eurekatech.com, यहाँ जो मैंने टाइप किया, उसके बाद एंटर, तो ये मेरा वेबसाइट खुल जाता है। ठीक है, ये दो तीन तरीका जो खोलने के लिए, जिन और भी बहुत लोग ऐसा करते हैं कि ऐसे खोलते हैं और उनको गूगल में आता है तो गूगल में सर्च करते हैं, तो गूगल में देखिए, गूगल में अगर आप यूआरएल नहीं, वो सिर्फ चीज़ें डालते हैं, नाम डालते हैं, तो उसके लिए आपको eurekatech भी अगर आप टाइप करते हैं अपने गूगल में, यूरेका टेक्नोलॉजी, तब भी देखिए मैंने यूरेका टेक्नोलॉजी टाइप किया ना, ये गूगल में सर्च होगा और आ जाएगा। बहुत लोग डायरेक्ट यहाँ यूआरएल में डोमेन का नाम नहीं डालते हैं, कंपनी के नाम डालते हैं और सर्च करते हैं, जैसे कि मैंने ये गूगल में डाल के सर्च किया, जैसे ये आप देख रहे हैं, ये आपको दिख रहा होगा, तो ये मेरा नाम आया eurekatech, हमारी कंपनी का नाम आया eurekatech.com, वेबसाइट ये आया आया नीचे sms.eurekatech.com, ये भी आ रहा है, इसको भी अगर क्लिक करते हैं, इसको भी, तो सबसे पहले जो आ रहा है eurekatech.com, यहाँ से भी आप क्लिक करते हैं तो ये हमारा खुल गया, और इस पे आप बल्क एसएमएस पे चले गए। तो हमारे पैनल पे सबसे पहले कैसे कैसे किन किन तरीक़ों से जा सकते हैं मैंने इसके बारे में बताया, और अगर आपको उसके बाद भी दिक्कत हो तो यहाँ पे नंबर दिया गया, उस नंबर पे आप कॉल करेंगे, ये दिख रहा होगा आपको, तो आपको हेल्प भी मिल जाएगा, वहाँ से भी सपोर्ट मिल जाएगा। तो सबसे पहले ये पैनल खुल जाएगा sms.eurekatech.com, एंटर, ये पैनल खुल गया। इस पैनल में आपको एक यूजर नेम दिया जाएगा, जैसे कि अभी हमारा जो यूजर नेम है यूरेका, ठीक है, मैंने यहाँ पे टाइप किया yurek यूरेका, ये छोटा या बड़ा कोई भी हो सकता है लेटर, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि बड़ा में टाइप करना है कि छोटा में, कैसा है। पासवर्ड हमारा केस सेंसिटिव होता है, अगर पासवर्ड बड़ा या छोटा डाला हुआ है या नंबर डाला हुआ है तो वैसे ही डालना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो है पासवर्ड डालना है, ठीक है, मैं पासवर्ड डाल रहा हूँ, आप अभी देखेंगे,
पासवर्ड किया, लॉगिन नहीं हुआ। बाय द वे मैंने गलती पासवर्ड डाल दिया है। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ फिर से। मेरा जो यूजर है, सॉरी एच पी यूरेका, मैं भूल गया था, मेरे यूजर क्या है, एच पी वाई यू आर ई के यूरेका। और मेरा जो पासवर्ड है, मैं वो पासवर्ड टाइप कर रहा हूँ। वाई यू आर ई के ए यूरेका, ये है हमारा पासवर्ड और ये लॉगिन हो गया। तो दिख रहा है ये पैनल पे हमारा लॉगिन हो गया। तो सबसे पहले आप अपना यूजर नेम और पासवर्ड डालेंगे तो हमारे पैनल पे ऐसे लॉगिन हो जाएंगे। मतलब जो आपको पैनल प्रोवाइड किया जाएगा उसमें इस तरीके का पैनल एक खुलेगा। ठीक है, बहुत सिंपल है चीज़ें। जैसे पहला पैनल आपका खुलेगा तो यहाँ दिख रहा होगा मोबाइल नंबर लिखा हुआ, और इसमें मोबाइल नंबर इनपुट करना है। ये मैसेज का बॉक्स है, इसमें मैसेज आपको टाइप करना है। इसमें जितने भी आप मोबाइल नंबर्स इनपुट करेंगे डायरेक्ट डाल सकते हैं, मतलब कि आप टाइप करके भी डाल सकते हैं, जैसे अभी हम डाल रहे हैं। ठीक है, उसके बाद एंटर प्रेस करना है, और उस तरीके से जो है दूसरा नंबर भी डाल सकते हैं, आपको दिख रहा होगा। फिर मैंने एंटर प्रेस किया, या आप कॉपी करके पेस्ट भी कर सकते हैं। ये मैं दिखाऊंगा कैसे कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं। तो ये जो दो तीन तरीका है इससे आप भेजेंगे। अभी आप अपने पैनल पे हैं, ये देखिए यहाँ सेंट एसएमएस, क्विक एसएमएस, सीएसबी, लास्ट सीएसबी एसएमएस, सॉरी ग्रुप एसएमएस, ग्रुप मैसेज जो है, इन सारे तरीकों के बारे में मैं आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले जो आपका पैनल खुलता है वो ये खुलता है। तो जो दिख रहा है, मैं कर्सर आपको घुमा रहा हूँ उस विंडोज पे, यहाँ से करना है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ से बहुत ही आसान होता है। दूसरी बात, जितना भी यहाँ नंबर टाइप होगा यहाँ पे आपको टोटल नंबर कितना है वो दिखाएगा। देखिए यहाँ दो दिखा रहा है, अगर और टाइप करेंगे तो वहाँ नंबर काउंट बढ़ जाएगा। आप देख रहे होंगे यहाँ पे नंबर काउंट बढ़ गया, मोबाइल नंबर 3 3 मोबाइल नंबर है। अगर कोई डुप्लीकेट नंबर है तो वो आपको बता देगा, वो नहीं लेगा। जैसे ये मैंने डाला, डिलीट हो गया, डाला उसके बाद एंटर प्रेस किया, खुद ही डिलीट हो गया। डुप्लीकेट और इनवैलिड नंबर को ये हटाता है, जैसे 1 2 5 6 3 ऐसे कुछ नंबर मैंने डाला, फिर एंटर किया, ये डिलीट हो गया, ये खुद ही डिलीट हो रहा है। और यहाँ पे जाकर के जैसे नंबर आपने यहाँ पे डाल दिया, कोई भी मैसेज डाल सकते हैं कि वेलकम एम वाई आर ए यूरेका मैंने ये लिखा। इस तरीके से जो आपका मैसेज होगा उस हिसाब से आप अपना मैसेज लिखेंगे। और एक मैसेज का ट्राई के गाइडलाइंस के हिसाब से आपको भी पता है कि 160 कैरेक्टर का होता है। ये एसएमएस काउंट मेरा पहला शुरू हुआ है, बोल रहा है कि जितना मैंने एसएमएस टाइप किया है उसमें 131 अभी कैरेक्टर बाकी है। इसमें स्पेस, फुल स्टॉप, सारे वो कैरेक्टर काउंट होता है। जैसे ये देखिए मैंने लास्ट में फुल स्टॉप डाला हुआ है, यहाँ पर मैंने डिलीट किया, 32 हो गया 33 से। ठीक है, ये एक स्पेस है, स्पेस अगर मैं हटाता हूँ तो और कैरेक्टर घट जाएगा। डिलीट किया, बैक स्पेस, मैंने डिलीट किया स्पेस को, देखिए तो 133, मतलब बढ़ते जा रहा है मेरा। मतलब 133 लेटर हम टाइप कर सकते हैं, पहले 132 टाइप कर सकते थे, उसके पहले 131। तो इस हिसाब से स्पेस मैंने दिया, अब 132 ही टाइप कर सकते हैं। इस तरीके से 160 कैरेक्टर का होता है एक एसएमएस। कहेंगे कि 160 ही कैरेक्टर फिर हम टाइप करेंगे, नहीं। अगर आपका 160 से लेकर के अगेन 160 के बीच प्लस 160 के बीच जब जाता है तो दो मैसेज के बराबर होता है। मतलब 160 के बाद 161 कैरेक्टर जैसे ही होगा तो एक एसएमएस जो जाएगा वो दो एसएमएस के बराबर होगा। समझ गए? तो एसएमएस का लेंथ से ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ से नहीं जाएगा, एक ही एसएमएस के लेंथ के बराबर जाएगा। एसएमएस का लेंथ कुछ भी आप टाइप कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, जैसे मैं अभी दिखा देता हूँ तो टाइप करते हैं कुछ भी। ठीक है, अभी आप देख लीजिए, मैंने ये टाइप अगेन किया और आप देख रहे होंगे दो एसएमएस
दूसरा SMS ने इतना बात किया, तो आप ये नंबर पे भेज सकते हैं, 2 SMS के बराबर कटेगा। मतलब ये आपका देखिए यहाँ ट्रांजेक्शन क्रेडिट ट्रांजेक्शन दिखा हुआ है, अभी जो है SMS मेरा इतना है हमारे अकाउंट में जो दिख रहे हैं, आपके अकाउंट में यहीं पर SMS दिखेगा कितना, जैसे ही आप भेजते हैं तो यहाँ से SMS काउंट आपका कटता है, ठीक है। और कैसे क्या होता है मैं वो अभी आपको दिखा देता हूँ भेज करके भी कि क्या होता है, ठीक है। ये जैसे अभी हमको भेजना था, मैं अभी फॉर एग्ज़ाम्पल अभी मेरे पास ये वाला नंबर है, मैं भेजता हूँ, मैं चेक भी कर लूँगा। और अभी आप पूछ रहे होंगे ये नंबर है या मैसेज है, बाकी ये सब चीज़ क्या है, ये तो मैसेज का टाइप है ट्रांजेक्शन, ये सेंडर नेम है, मतलब सेंडर नेम हम लोग आपको जब पैनल देते हैं तो क्रिएट करके देते हैं, आप भी क्रिएट कर सकते हैं। ये सेंडर नेम 6 कैरेक्टर का ही होना चाहिए, ना उससे छोटा ना उससे बड़ा, ये एक लैंग्वेज है, बाय डिफॉल्ट इंग्लिश लेते हैं। और बस उसके बाद यहाँ पे सेंड क्लिक कर देना है, चाहे जितना भी नंबर हो इसमें डाल करके, और उसके बाद मैसेज टाइप करके यहाँ पे सेंड क्लिक करेंगे तो प्लीज़ सेंड करके यहाँ एक मैसेज सबमिटेड सक्सेसफुली दिखा दिया, ठीक है। और ये हमारे मोबाइल पे अभी आ भी गया, अभी तो मोबाइल में आपको अपना नहीं दिखा पाऊँगा, बट ये मैसेज मेरे पास आ गया, टेटे की अभी आवाज़ आई और SMS आ गया, वही जो मैसेज मैंने भेजा है। अब इसको चेक करना है कि जो मैसेज आपने भेजा है या मैंने भेजा है वो कैसे जाएगा, ये आपका पैनल है तो आप यहाँ डैशबोर्ड पे आएंगे, सिंपली ये जो डैशबोर्ड है आपका, मैंने एक मैसेज अभी भेजा, पहले भी कुछ मैसेज भेजा हुआ है, ये डिलीवर्ड है, ये डिलीवर्ड टोटल सेंट DND रिजेक्टेड, ये क्या है मैं आपको बता देता हूँ, ये डेट है, उस डेट में या ये आज आपने कितना भेजा ये आएगा। उसके बाद यहाँ से जब भेजते हैं तो ये पहले सेंट में रहता है, यहाँ से जाना शुरू होता है तो सेंट में SMS आएगा, जितना डिलीवर्ड हो जाएगा तो डिलीवर्ड में आ जाएगा, तो टोटल यहाँ दिखाने लगेगा कि टोटल मैसेज आपका कितना हुआ है। DND और रिजेक्टेड आप जान रहे हैं, ट्रांजेक्शनल आईडी DND का कोई मतलब ही नहीं बनता है, इसमें DND पे भी जाता है हमारे ये पैनल से इसमें जो आप भेजते हैं, बट रिजेक्टेड है, रिजेक्टेड जैसे नंबर में कोई प्रॉब्लम है, नंबर बंद है, ये इन सब केसों में जो है वो रिजेक्ट हो जाते हैं, जो रिजेक्टेड लिस्ट में आएगा। और मैं आपको बता दूँ एक चीज़ और कि कभी कभी सेंट में रहता है, इसको आप पैनल पर रिफ्रेश करेंगे यहाँ जा कर के रिफ्रेश बटन पे, तो आपको डिलीवर्ड में आ जाता है, सारा डिलीवर्ड में आपको दिखाने लगेगा। और उसके बाद आप रिपोर्ट चेक कर सकते हैं, जैसे यहाँ है रिपोर्ट जो आपने भेजा है उसका रिपोर्ट, ये तो डैशबोर्ड पर आप चेक कर रहे थे, दूसरा आप रिपोर्ट चेक कर सकते हैं, यहाँ है ना रिपोर्ट दिख रहा है आपको, कर्सर मेरा ब्लिंक हो रहा है, रिपोर्ट पे क्लिक किया आपने, सेंट मैसेज क्लिक किया आपने, मैंने अभी भेजा था ना वेलकम इन यूरेका टेक्नोलॉजी, ये इस नंबर पे इस टाइम, और ये टाइम है, ये डेट है, यहाँ पे स्टेटस दिखाता है कि डिलीवर्ड है या पेंडिंग है या अभी सेंट स्टेटस में है, क्या है, किस टाइप का SMS है, ट्रांजेक्शनल, सेंडर नेम है, किस सेंडर नेम से आपने भेजा था, 1 SMS के बराबर था इसलिए 1 क्रेडिट, यही अगर SMS का लेंथ 2 SMS के बराबर रहता है, एक ही एक नंबर पे यहाँ पे क्रेडिट 2 दिखाता है, 3 के बराबर रहता है 3 दिखाता है, समझिए। ये डाउनलोड रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट को जितना भी SMS गया है, बाकी भी पहले जो गया हुआ था, अब जैसे आज के डेट में जितना गया है उसको डाउनलोड कर सकते हैं, उसके पहले जो आपने भेजा है उसको डाउनलोड कर सकते हैं, तो जो भी है रिपोर्ट ये एक्सेल और XML फॉर्मेट में आपका ये डाउनलोड हो जाता है अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो, ठीक है। मैं अभी क्लिक करके दिखा भी देता हूँ, ये डाउनलोड पे मैंने क्लिक किया, ये मेरा SMS लॉग डाउनलोड हो गया CSV फाइल, हम इसको ओपन करते हैं और इसको दिखा देते हैं कि इसमें सारा रिपोर्ट मेरा कैसे आ गया है। ये है, ये देखिएगा, मैं ओपन कर रहा ठीक है, ये जो डाउनलोड हमने किया है, ये देखें जिन भी नंबर में हम लोगों ने भेजा था तो उस दिन का रिपोर्ट जो मैंने डाउनलोड किया है ये सारा आ गया, ठीक है। मैसेज क्या था वो भी आ जाएगा, सेंटॉन आ जाएगा, कितनी 9 तारीख वाला मैंने डाउनलोड जो किया था 9 तारीख का आ रहा है, सेंटर नेम है, सर्विसेज है, क्या मैसेज गया था, ये सारा आ गया। इस तरीके से आपका आएगा, रिपोर्ट डाउनलोड करके भी आप चेक कर सकते हैं, मतलब इतना ट्रांसपेरेंसी है इसमें
कि कोई गड़बड़ी होने की बात नहीं है, कोई यहाँ पैनल से कुछ गड़बड़ी होने की बात नहीं है, आप ये सारा चीज़ देख सकते हैं। जो अभी ज़रूरत की और चीज़ें मैं वो आपको बता देता हूँ। कि दूसरा, जैसे बहुत सारा SMS जो है आपको भेजना होता है जो एक्सेल फाइल में आता है, और चाहते हैं कि मल्टीपल लोगों को, सैकड़ों लोगों को, हज़ारों लोगों को बाई नेम उनको मैसेज आए, एक मैसेज आप टाइप करें और सबको बिन सबको नाम के साथ जाए, तो वो कैसे भेज सकते हैं? तो यहाँ SMS पे आप आते हैं, ये डैशबोर्ड पे अभी हमारे SMS पे आपने क्लिक किया कि क्विक SMS को ये था जो आपका बाई डिफॉल्ट खुल के आता है, ये सिलेक्टेड था। CSV SMS होता है, और लास्ट CSV SMS जो हम भेजते हैं CSV Excel और CSV फाइल से। यहाँ पे ये देखिए ड्रैग एंड ड्रॉप है आ रहा है, मतलब एक्सेल फाइल को यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, यहाँ पे क्लिक करके अटैच करना है, यहाँ पे मैसेज टाइप करना है। ठीक है, कैसे टाइप करना है कि सबको उनके नाम से जाए, मैं अभी आपको दिखा दूँगा। यहाँ ट्रांजेक्शनल है, ये बाई डिफॉल्ट सारा सिलेक्टेड रहेगा, इसके लिए आपको नहीं सोचना है। मोबाइल नंबर कॉलम ए, इसका मतलब कि हमेशा मोबाइल नंबर कॉलम ए में ही होना चाहिए, इसको चेंज भी नहीं करना है। और बाय डिफॉल्ट एक्सेल फाइल या CSV फाइल जो होगा आप एक्सेल फाइल में टाइप करके आराम से भेज सकते हैं, इसमें आपको CSV में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो वो बाय नेम कैसे जाएगा, मैं अभी आपको एक दिखा देता हूँ CSV आपको बना करके। ठीक है, आप अभी ये देखिए, मैं एक एक्सेल फाइल बनाने जा रहा हूँ। ये ठीक है, मैंने इसको ओपन किया। पहला बाय डिफॉल्ट क्या मैंने बोला था कि पहला कॉलम ए में हमेशा ही नंबर होना चाहिए, भूलना नहीं चाहिए। जब भी आप एक्सेल से हज़ारों या सैकड़ों बाय नेम अगर मैसेज कर रहे हैं, बाय नेम भी कर सकते हैं, बिना नेम के भी कर सकते हैं, तो बट यहाँ से उठाना है तो ए कॉलम में, ये दिस इज़ द ए कॉलम, ए कॉलम ये, इसमें नंबर होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं अपना नंबर अभी इनपुट कर रहा हूँ, ठीक है, दूसरा नंबर एक और डाल देता हूँ, जब देख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे नाम, यहाँ पे नाम, ठीक है, मैंने डाला। कुछ मैसेज भी आप यहाँ से टाइप कर सकते हैं और उसको भी उठा सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये तो मोबाइल नंबर है, हेडिंग भी हम इसको बना लें, ठीक है ना, यहाँ पे हेडिंग भी बना देंगे। आपको मोबाइल नंबर अगर चाहें तो बना सकते हैं, नहीं तो नहीं बना सकते हैं। ठीक, अगर मान लीजिए किसी का सैलरी ड्यूज है, सैलरी है, कितना सैलरी है, तो आप यहाँ सैलरी डाल सकते हैं और उसका सैलरी जो है यहाँ से इनपुट आप करा सकते हैं। ठीक है, ऐसे आप अगर डाल दिए, ये आपका एक्सेल फाइल है, मैंने इसको सेव करके रख लिया है, देख रहे होंगे ये वाला एक्सेल फाइल का, इसका नाम हम अभी चेंज कर देते हैं, ये है। ठीक है, तो अब आप अपने पैनल पे गए, आपका एक्सेल फाइल बना हुआ है, यहाँ पे क्लिक किए, देखिए मैंने यहाँ पे क्लिक किया, लोकेशन पूछ रहा है। ठीक है, मैंने उससे इसको कहाँ रखा है, डेस्कटॉप पे, डेस्कटॉप अभी हमारा खुल गया, ये डेस्कटॉप पे मैंने रखा था, डेस्कटॉप मैंने सेलेक्ट कर लिया। यहाँ से फाइल अपना जा करके सिंपली अटैच कर देना है, किस नाम से था बताइए, यूरेका के नाम से ये है। ठीक है, इसको क्लिक किया, मैंने ओपन किया, यहाँ अटैच हो गया। ये एक फॉर्मेट बता रहा है, जैसे कि यहाँ पे हेलो है, ठीक है, या हेलो टाइप कीजिए, डियर टाइप कीजिए, जो भी आपको एड्रेसिंग करना है। बाई डिफॉल्ट ए में नंबर जाएगा, इसको हटा देना है बॉक्स में, और योर जैसे लिखना है, अगर बाई द वे योर सैलरी हैज बीन क्रेडिट, अब जो है मैं आपको दिखा दूँ, डियर डियर के बाद नाम आना चाहिए। अगर चाहते हैं कि नाम है तो हमको नाम किस कॉलम में था, आपको दिखा दे बी कॉलम में था। ठीक है, किसी भी नाम को, सैलरी को बाकी किसी भी कॉलम में आप रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं अभी यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ,
नाम हमारा बी कॉलम में था, नाम हमारा बी कॉलम में है, ठीक है, नंबर ए कॉलम में। नंबर अब वहाँ पे कैसे आएगा, नाम और उनका सैलरी कैसे जाएगा ये अब आपको दिखा रहे थे। तो सिंपली आप समझ गए, एक्सेल को अटैच कर दिए, ये में नंबर हैं और बी सी में जो भी आपको डालना है उस हिसाब से। अब डियर नाम मतलब डियर गौरव, डियर उपेंद्र, डियर एक्स वाई जेड, डियर जो भी जितने भी नाम हैं वो आना चाहिए। तो उसके लिए हमको कॉलम इस तरीके से डाल करके ब्रैकेट बी डालना होगा कैपिटल में, ये बी में का योर सैलरी हैज़ बीन क्रेडिटेड अमाउंट। अब यहाँ पे उसी हिसाब से यहाँ बी है, बी नहीं वो हमने इसमें डाला था, सी में सी डाल दिया। तो डियर गौरव, फॉर एग्जांपल गौरव जो नाम था, योर सैलरी हैज़ बीन क्रेडिटेड अमाउंट, यहाँ पे जो अमाउंट था वो अमाउंट आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ही हमने सेंड क्लिक किया पहुँच गया एसएमएस, ठीक है, पहुँच जाएगा एज इट इज़ लिखा हुआ, ठीक है। बस सिंपली इतना ही है, ये एक्सेल फाइल से भेज सकते हैं। और यहाँ पे अगर आप चाहें भाई नेम भी नहीं भेजना है तो नेम को अपने हटा दिया, नेम को अपने हटा दिया, कोई भी प्रायर नोटिस देना है तो नोटिस दे सकते हैं आप। इस तरीके से मैंने जो हटा दिया यहाँ से, कुछ भी लिख सकते हैं, स्कूल का है, अगर पी डी यूज है तो पी के बारे में, इस हिसाब से जो भी आपको एक मैसेज सेंड करना सेंड कर सकते हैं। मल्टीपल एसएमएस आप इसमें सेंड कर सकते हैं। बहुत ही फास्ट और बहुत ही अच्छा पैनल है हमारा और बहुत ही आसान है ये, मोबाइल पे भी बड़ी रिस्पॉन्सिव है। मोबाइल व्यू भी अगर देखना चाहते हैं तो भी हम आपको दिखा देंगे, मोबाइल व्यू में भी आपको बहुत अच्छा दिखता है, ठीक है। अब आपको इसमें कुछ चीज़ें और मैं बता दूँ आपको, जैसे रिपोर्ट के बारे में तो आपने देखा था, ठीक है ना, सेंट एसएमएस डाउनलोड रिपोर्ट कर सकते हैं, यहाँ से सेंडर आईडी का रिपोर्ट है क्या हुआ कि नहीं हुआ। अगर सेंडर आईडी आपको एक और नया भी क्रिएट करना है तो आप यहाँ रिसेलर में क्लिक करते हैं, यूजर मैनेजमेंट पे जाते हैं, सॉरी यहाँ पे जाते हैं सेंडर नेम पे, और यहाँ से जा करके आप टाइप करते हैं जो भी आपको टाइप करना होता है सेंडर नेम। सेंडर नेम हमेशा याद रहे, बड़ा या छोटा कैरेक्टर हो सकता है, लेकिन ना छोटा 6 कैरेक्टर से ज़्यादा ना 6 कैरेक्टर से कम हो सकता है, ठीक है। ये जैसे मैंने टाइप किया, ना 6 से ज़्यादा ना 6 से कम, 6 कैरेक्टर का छोटा बड़ा फॉन्ट हो सकता है, छोटा बड़ा जैसे बी सी डी ई, अब हम ई ऐसे, ठीक है, छोटा बड़ा हो सकता है। इसको आप रिक्वेस्ट नाउ पे करेंगे, ये थोड़ी देर में अप्रूव हो जाता है, यहाँ अप्रूव जब तक नहीं रहेगा पेंडिंग दिखाएगा तब अप्रूव हुआ था, और दो भी आपका हो सकते हैं। ये जैसे देखिए, ये रिक्वेस्ट नाउ अगर हम कर दें यहाँ पे आ गया, अभी पेंडिंग दिखा रहा है, ठीक फिर कैसे आएगा, अप्रूव हो जाएगा तो अप्रूव हो जाएगा। जब आप एसएमएस भेज रहे हैं यहाँ पे जो सेंडर नेम पूछता है इसमें से या इसमें से जो भी आप जिसे भेजना चाहते हैं उसे आप भेज सकते हैं। इस तरीके से आप डिलीट भी कर सकते हैं सेंडर नेम को, ठीक है। बाकी की जानकारी जो है, हाँ एक चीज़ और इम्पोर्टेंट जानकारी, कभी कभी आपको API SMS का सॉफ्टवेयर में या वेबसाइट में आपको यूज़ करना होता है बाई डिफॉल्ट, तो यहाँ से डेवलपर API में आएंगे, ठीक है, और यहाँ से ये सिंगल मल्टीपल SMS का API का कोड है, ये उठा करके आप यूज कर सकते हैं, या जो भी इसको यूज़ कर रहा है इसको यूज कर सकता है, यही है। और API की आपका जो जनरेट करना है ये है API के, ठीक है, यहाँ से यह API की या नया करने के लिए यहाँ पर क्रिएट API की लिए अगर आप करते हैं, जनरेट API की करते हैं तो आपका जनरेट हो जाता है एक और नया, देख रहे हैं यहाँ से API की जनरेट कर सकते हैं। ये API की ना बस चीज़ें हैं, आपको रिसेलर में कुछ नहीं करना है, यहाँ से सेंडर नेम के लिए मेल नहीं करना है, टेम्पलेट बना करके भी आप रख सकते हैं, जैसे टेम्पलेट हम लोग बना करके रखते थे, कोई भी प्रायर SMS है जैसे मैंने बना करके सेव करके रख लिया, और जब हमको इसमें सेंड करना है जो क्विक SMS में जब हम जा रहे थे या क्विक SMS में यहाँ गए तो यहाँ पे हम लोग ये जो SMS वाला बॉक्स है, सॉरी ये SMS वाला बॉक्स है, यहाँ पे टेम्पलेट के लिए आ रहा है, सेलेक्ट करेंगे, बहुत सारा टेम्पलेट बना हुआ है, यहाँ पे हमने क्लिक किया वो आ गया, अब देख रहे आ गया। अगर इसको मैं डिलीट करके दूसरा टेम्पलेट अगर मैं टाइप करूँ तो वो आपको दिख जाएगा टेम्पलेट कि दूसरे टेम्पलेट में मेरा SMS क्या है, देखिए दिवाली वाला, ठीक है। एडसेट ऐसे भी आप टेम्पलेट भी यूज कर सकते हैं। बाकी की जो जानकारी है इतना अभी के लिए काफ़ी, बाकी की अगर ऐसी कोई जानकारी तो वो हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे, ठीक है, थैंक यू।